नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। दोस्तों, अगर 10 लोगों से पूछा जाए कि आप नेताओं की बातों पर कितना विश्वास करते हैं, यकीन मानिए 10 में से 10 कहेंगे हमें नेताओं की और उनसे कही गई बातों पर कोई विश्वास नहीं है। वो जुबान के पक्के नहीं होते, वो जो कहते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। लेकिन इस दौर में राजस्थान के एक नेता ने जब लोकसभा चुनाव के दौरान अपना किया वादा निभाया तो उनके नाम की खूब चर्चा होने लगी। और उनके अलावा 3 और ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने किए हुए वादों को निभाया, अपने वचन के साथ रहे, उस वचन को पूरा कर कर दिखाया। चलिए सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद अपने वचन को पूरा करने वाले उस नेता के बारे में बताते हैं, फिर 3 और नेताओं के वचन के किस्से आपको सुनाएंगे। दरअसल राजस्थान के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उन सभी लोगों के भ्रम को तोड़ा जो ये कहते थे कि नेता अपने वचन पर नहीं टिकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा, आखिर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या प्रण लिया था? लोकसभा चुनाव का वक्त था, पीएम मोदी राजस्थान के दौसा आए थे, उस वक्त उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को 7 सीटों की जिम्मेदारी दी थी। ये 7 सीट थी दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, करौली धौलपुर और जयपुर ग्रामीण। अब खुद पर बीजेपी आलाकमान के विश्वास से उत्साहित किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा सीट के लिए प्रचार करते वक्त भरी सभा के बीच प्रण लिया। कहा था कि अगर बीजेपी 7 में से एक भी सीट हारती है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा और यहाँ पानी पिलाऊंगा। जब 4 जून का रिजल्ट आया तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। बीजेपी भरतपुर, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर और धौलपुर करौली सीट हार गई। बीजेपी उम्मीदवार के हारने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने रिजल्ट के दिन ही श्री रामचरितमानस की चौपाई रघुकल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए ट्वीट कर दी। करोड़ी लाल मीणा का इस ट्वीट के बाद से ही उनके इस्तीफे के अटकले लगाई जा रही थी और अब पूरे 1 महीने गुजरने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी द्वारा दी गई 7 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाने पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही भारतीय राजनीति में ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने वचन को पूरा किया, कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने वादा करके उसे निभाया। आइए जानते हैं उन नेताओं के बारे में। चौधरी देवीलाल को न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की राजनीति में कद्दावर नेताओं की श्रेणी में रखा जाता है। देवीलाल राजनीति के असल किंग मेकर माने जाते थे। उन्हीं देवीलाल ने जनता दल के नेता वीपी सिंह से अपना किया वादा निभाया। दरअसल 1989 के चुनाव में चौधरी देवीलाल ने जो किया वो शायद ही कोई कर सकता है। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चा के संसदीय दल की बैठक चल रही थी। इस बैठक में देवीलाल को संसदीय दल का नेता मान लिया गया था तो उन्होंने सबका शुक्रिया किया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर वहां मौजूद सभी नेता हैरान रह गए। चौधरी देवीलाल ने कहा कि आप सब मुझे ताऊ मानते हो, मुझे ताऊ ही रहने दो, मैं ये पद विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंपता हूँ। कहा जाता है कि संसदीय दल की बैठक के पहले ही देवीलाल ने इसके लिए वीपी सिंह से वादा किया था। देवीलाल ने वीपी सिंह को दिए वादे का पालन किया और संसदीय दल की नेता की कुर्सी पर वीपी सिंह को बैठा दिया और फिर वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। साल 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु असेंबली में बजट पेश होने वाला था, लेकिन बजट पेश करते उससे पहले ही तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के नेता अपनी जगह से खड़े हो गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि पर आरोप लगाने लगे। उनके पीछे से कई नेता शोर कर रहे थे। उन नेताओं में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जयललिता की आवाज़ सबसे बुलंद थी। वो कहने लगी, करुणानिधि जी, आपकी सरकार ने मेरा फोन टैप किया है, मेरे ऊपर गलत तरीके से एक्शन लिए गए हैं, ये सभा का अपमान है, आपको और आपके मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलने लगे। माहौल को बिगड़ता देख स्पीकर पीएच पांडियन ने सभी को शांत कराने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद
विधानसभा में धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच तत्कालीन सीएम करुणानिधि को किसी ने धक्का दिया और वो नीचे गिर गए। फिर क्या था, सत्ता पक्ष के विधायक अपने नेता का बदला लेने के लिए विपक्षियों की तरफ बढ़े और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की चोटी पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ विरोधी दलों के नेताओं ने जयललिता को बचाते हुए वहां से निकाला। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष जयललिता ने असेंबली से निकलते हुए कसम खाई कि मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी, आज जो मेरे साथ हुआ है मैं उसका जवाब दूंगी, अगली बार इस असेंबली में कदम मुख्यमंत्री की हैसियत से ही रखूंगी। उसके बाद जयललिता ने अपने वादा पूरा करते हुए 24 जून 1991 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। साल 2021 में परिवार के सदस्य के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में चंद्रबाबू नायडू को विधानसभा से बाहर कर दिया गया था और तब चंद्रबाबू नायडू ने प्रण लिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटेंगे। साल 2024 टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अपना वादा पूरा किया। तो ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने वचन के लिए वो किया जिसे करना नेताओं की जमात के लिए आसान नहीं है। ऐसे और भी कई नेता हैं जो जनता से किए अपने वादे को निभा रहे हैं, इसलिए राजनीति की दुनिया में रहने वाले सभी नेताओं के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपने वादे को निभाते नहीं हैं। 100 में से 30 तो ऐसे नेता होंगे जो जनता की भावनाओं से जुड़ते हैं, उनसे जुड़कर उनके लिए काम करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।